एक अच्छा काम करने की सजा इतनी बड़ी हो सकती है, मैंने कभी नहीं सोचा था। सोचा तो मैंने भी नहीं था उषा मौसी, लेकिन मैं एक बात जरूर जानती हूँ कि ताई खुश है और उनकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। विराट, आज तुम जल्दी उठ गए। काजल, रात भर ठीक से सो नहीं पाए या सो ही नहीं पाए? आई लगता है भूल गई हैं कि मैं रोज जल्दी उठता हूँ और जॉग पे जाता हूँ। थे, जॉगिंग पे जाते थे, लेकिन जब से तुमने ड्यूटी ज्वाइन की है तुम्हें वक्त ही कहाँ मिलता है जॉगिंग पे जाने का। आज भी उठ तो गए हो लेकिन जाओगे नहीं। आई हूं तुम्हारी, तुम कब क्या करते हो मैं सब जानती हूं। आज जॉगिंग के लिए उठे हो या लेकिन ये सच तो नहीं बदल सकता ना गुड़ू कि तुमने अपनी बीबी को आधी रात को इस घर से निकाल दिया था। सपने में भी नहीं सोच सकती कि मेरा गोड़ू ऐसी हरकत करेगा। उम्मीद रखती हूं सही को इस घर से निकालने के बाद तुम्हें शांति मिल गई होगी। सही तो जहां से आई थी वहां वापस चली जाएगी, लेकिन जहां तक मैं सही को जानती हूं वो इस घर में वापस कभी नहीं आएगी। अब अगर वो चाहे भी ना तब भी मैं उसे आने नहीं दूंगा। ही आईपीएस ऑफिसर बन गए हो ना, जो चाहे फैसला ले सकते हो, लेकिन विराट एक बात भूल गए हो कि अगर सही को यहां लाने का फैसला तुम्हारा था तो तुम्हारे साथ यहां आने का फैसला सही का भी था। अब इन सब बातों का क्या मतलब है आई, जब सही का इस घर में आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उसका यहाँ आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता तो फिर तुम क्या कह रहे हो? पुरानी बातें बार बार बोलने से क्या मतलब? कोई आज चाय पिलाएगा हमें इस घर में? कोई मातम मना रहा है, है? कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद मुझे लगा था कि अश्विनी को थोड़ी सी अक्ल आएगी, लेकिन नहीं, अभी भी ये विराट को ही समझा रही है कि उस जंगली मुर्गी से नाता ना तोड़े। जिस लड़की ने इस घर को अपना घर नहीं माना, इस परिवार को अपना परिवार नहीं माना, वो अकदी बरोबर है। वही नहीं, वैसे भी वो सही के साथ कोई रिश्ता कैसे रख सकता है? हो कि नहीं हो? नहीं, मी क्या मनते कि विराट ने सही को घर से बाहर निकालकर कुछ गलत किया है क्या? नहीं, बिल्कुल ठीक किया विराट ने। काका, काकू, जो हो गया सो हो गया, अब उस बारे में हम में से कोई बात नहीं करेगा, प्लीज। लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है गुडू, तुम जब ऑफिस से लौटोगे तो तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस घर में अब भी एक ऐसी व्यक्ति है जो तुम्हारा ख्याल रखने के लिए एक पैर पर खड़ी है। तुम पत्रलेखा के बारे में बोल रही हो ना? पत्रलेखा बहुत अच्छे से ख्याल रखती है विराट का। कहीं तुम्हें इस बात से जलन तो नहीं हो रही उससे? वैसे जलन होना स्वाभाविक ही है, पत्रलेखा भी इस घर की बहू है, तुम भी इस घर की बहू हो। हाँ, लेकिन जब से पत्रलेखा इस घर में शादी करके आई है उसने सबका दिल जीत लिया है, और कितना ख्याल रखती है वो सबका, जलन तो होगी ही। मैं तो वही कह रही हूं जो सच है वैनी। अब इस सच का मतलब आप क्या निकालती है वो मेरे बस में नहीं है। अश्विनी वैनी प्लीज, आपकी बातों से तो ऐसे लग रहा है जैसे हमने सही को घर से बाहर निकालकर बहुत बड़ा जुर्म कर दिया है।
बड़ी मामी आप प्लीज बाहर चल के देखिए कि क्या हो रहा है। क्या हुआ पत्रलेखा? बड़ी मामी वो छुड़ी, क्योंकि अगर मैं कुछ बोलूंगी तो कुछ लोग मुझे ही भला बुरा कहेंगे। सही, चुप कर, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जरूरत है मौसी, बिल्कुल जरूरत है। सबको ये बात बताने की जरूरत है कि कल रात को मेरे पति मिस्टर विराट चौहान ने मुझे आधी रात को घर से बाहर निकाल दिया। रात भर मैं और उषा मौसी दरवाजे के बाहर खड़े रहे, और आपको पता है घर के लोगों ने क्या कहा? कि वो मुझे घर में कभी भी वापस नहीं देखना चाहते। लेकिन हम सब तुम्हें बहुत मानते हैं, हम इसे कोई भी ऐसी कोई बात नहीं करेगा जिसकी वजह से तुम्हें बुरा लगे। बताओ क्या बताना चाहती हो? इस घर में मुझे इतनी अहमियत देता ही कौन है जो मेरी बात का किसी को बुरा लगे? तो पत्र लेखा क्यों ऐसे नाटक कर रही हो तुम? बता दो ना अपनी बड़ी मामी को साफ साफ कि तुम क्या तीली लगाने आई हो। अश्विनी वहिनी एक बात बताइए, आप हमेशा पत्रलेखा से झगड़ा क्यों करना चाहती हैं? अश्विनी ये क्या चल रहा है तुम्हारा? सुबह सुबह घर में महाभारत करनी है क्या? मैं चुप हूं इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोल दो। घर है ये, इसे अपनी पसंद नापसंद का अखाड़ा मत बनाओ, बता रहा हूं मैं। चार दीवारी के अंदर लोगों के रहने से कोई भी मकान घर नहीं बन जाता। मकान घर तब बन जाता है जब रहने वालों के दिल में दूसरों के लिए प्यार हो, इज्जत हो। जो इस मकान को घर बनाना चाहती थी उसे तो आप लोगों ने इस जगह से निकाल दिया। आप लोगों ने ना सही को इस घर से निकाल दिया है बहनी, लेकिन मेरे दिल से नहीं निकाल पाओगे आप लोग, कभी नहीं। हे भगवान, भगवान अगर आप लोगों को वो ताकत दे देता ना तो आप लोग सही को मेरे दिल से भी निकाल देते, मेरे दिमाग से भी निकाल देते। वहीनी सिर्फ सही को ही नहीं तो उसकी यादों को भी मुझसे दूर कर देते आप लोग। वो सही जिसे मैं अपने बेटी से भी ज्यादा प्यार करती थी, खुद से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। इस घर में अगर किसी को मेरी फिक्र है तो वो सिर्फ मेरी सास, मेरी आई अश्विनी चौहान है। खैर, मेरा फर्ज था आप लोगों को ये सारी बात बताना। सच्चाई जानकर भी चुप रहना झूठ बोलने से भी बड़ा गुनाह है, और मैं ये गुनाह नहीं करना चाहती थी। आप लोगों को मैंने सब कुछ बता दिया है, अब मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई। अब मैं यहां से जा सकती हूँ, क्योंकि इस जवान निवास में मैं दोबारा कदम नहीं रखूंगी। चलती हूं, लेकिन आई आपसे मिलती रहूंगी। वो क्या है ना कि मां बेटी का रिश्ता ना तोड़ने से भी टूटता नहीं है।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।